कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम बताएं। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव में विपक्ष साफ हो जाएगा। हर व्यक्ति जो इस मोदी सरकार से अत्यंत परेशान है, लाचार है, समझ नहीं पा रहा है कि किस तरीके से जीवन जिए, कहीं भाईचारे की कमी है, कहीं आर्थिक वो तनाव उन पर पड़ रहा है, कहीं गरीबी फैल रही है, कहीं वो बेरोजगार हुआ फिर रहा है, घर का किचन नहीं चल पा रहा, वो सब लोग आज जब एक गठबंधन बनाए उसके साथ आएंगे, एक अच्छा हम लोग नेतृत्व देंगे। तो जो मैंने ये बातें कही ये इसको बता दर्शाना चाह रही थी कि एक तरीके से जनमानस में जो राजनीतिक तैयारी होती वो पूरी हो गई है। चुनाव लड़ने की जो संगठनात्मक तैयारियां होती वो तो हमेशा से रहीं, जब हमारे कैंडिडेट देखे करीबन 80-100 जगहों पर अनाउंस हो गए हैं और बाकी जगहों पर भी कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाएंगे, तो पूरी तरीके से हम लोग चुनाव में उतरेंगे। हम सब इंतजार कर रहे हैं, पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके काम करती है और हम सब चुनाव के स्वागत के लिए तैयार, पूरी तैयारी को दिखे। उत्तर प्रदेश में लक्ष्य 80 की 80 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और देश भर में क्या कुछ माहौल रहेगा? देश भर में 400 पार एनडीए और विपक्ष, विपक्ष पूरी तरह से साफ। तो चुनावी बयानबाजी आपने देखा किस तरह से अपने चरम पर है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, उसके पहले सुगबुगाहट तेज हो गई है। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। डिप्टी सीएम को हमने सुना, ब्रजेश पाठक दावा कर रहे हैं सभी सीटें जीतेगी बीजेपी उत्तर प्रदेश में। और एक बार फिर से जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लक्ष्य और नारा दिया गया है अब की बार 400 पार, उसको भी उन्होंने दोहराया। क्या तैयारी है बीजेपी की? तैयारी का आलम यही आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री इतने आश्वस्त है कि 370 बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बातें कही जनता के सामने सार्वजनिक तौर पर कि तीसरे टर्म की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगला बजट इससे बेहतर और बनाने की कोशिश किया जाएगा, बनेगा। और वो अपने कैबिनेट के सदस्यों को कहते हैं कि आप भले ही अगली बार मंत्री बने या ना बने, लेकिन अगले 5 साल का, अगले 100 दिन का एक्शन प्लान और अगले 5 साल का रोड मैप देखकर जाइए। तो कहीं ना कहीं पार्टी अपनी तरफ से काफी आश्वस्त है और इसीलिए पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होता है। कांग्रेस की पहली सूची में राहुल गांधी का अभी जब नाम आया, लेकिन वो वायनाड से आया था। तो तैयारी है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि सफाई 80 का 80 सीट टारगेट वहां पर है 75+ का। और एक बात और मैं जल्दी से बता दूं आपको, क्योंकि बहुत से हमारे सहयोगी है जी। बीजेपी का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा चेहरा, 150 से ज्यादा उनकी रैलियां है, ये पहले से तैयार हो चुकी, कैंपेन तैयार है। मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी और मैनिफेस्टो भी लगभग तैयारी की जा रही है। यानी जो गारंटी दी जाएगी 5 साल के लिए मैनिफेस्टो में, वो अगले 5 साल में पूरा करके 2029 में लोगों के सामने जाएंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री 2014 से और 2019 में भी ये बातें दोहराई थी। बिल्कुल, और सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। और रविंद्र, हम आगे दर्शकों को यही दिखाने वाले हैं कि चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। देश की जनता ने तो मन बना लिया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, अब फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है और पूरे देश में इंतजार है कि मोदी जी को कब प्रधानमंत्री फिर से बनाना है। नहीं, हमारी पार्टी की ओर से, संगठन की दृष्टि से हमारा काम सफल, हमने पूरा काम अपना बूथों तक का संगठन का हमारा रेडी है और जो भी पार्टी कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से हम लगातार सक्रिय रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में जैसे चुनाव की घोषणा होगी, हम माने मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे काम है, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारी उन योजनाओं के को लेकर, सारे कामों को लेकर जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी तो प्रत्येक बूथ पर चुनाव, जिस चुनाव को जीतते हैं उसके बाद अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान भोपाल के अंदर लिया था, तब कहा था हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, और कमल के फूल के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। इस बार हम माननीय प्रधानमंत्री जी का टारगेट है हर बूथ पर 370+ नए वोट बढ़ाना और हर बूथ को जीतने के संकल्प के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी, 29 की 29 सीटें जीतेगी। तो आपने सुना, आप पूरे बीजेपी खेमे में आप देख सकते हैं गजब का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनावी बिसात बीत चुकी है और सभी राजनीतिक दल बड़ी जीत का दावा यहां पर कर रहे हैं।